आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसए न्यूज। नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेहराज ने आज ओवैसीपुरा मासब टैंक के चाचा नेहरू पार्क में ओपन जिम का इफ्तिताह किया। साथ में अहमदनगर डिवीजन सैदनगर टू अल सबा होटल के पास 4 लाख रुपए की लागत से वाटर पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। इसमें शामिल जीएचएमसी के ऑप्शन मेंबर इंजीनियर महमूद हुसैन, डिवीजन कारपोरेटर मोहतरमा आयशा रुबीना, मोहम्मद सादेख व दीगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे फेरोज खान की ये रिपोर्ट। दरवाज़ बस ऐसा ना सामने एकदम नगर बोलते बापू दो आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टेंसी के अंदर चाचा नेहरू पार्क में एक ओपन जिम का इनॉग्रेशन किया गया है जो अहमदनगर डिवीज़न के अंदर पहला ओपन जिम अहमदनगर डिवीज़न में लगाया गया है नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टेंसी के अंदर। और इसके साथ साथ नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टेंसी में दूसरे भी जो डिवीजन्स हैं जैसा आसिफ नगर, मल्लापल्ली, मैजी पटना और भी अभिजय नगर कॉलोनी, गुड्डी मल्कापुर, ऐसे सारे डिवीज़न के अंदर एक एक ओपन जिम का प्रपोजल है। इंशाल्लाह एक दो तीन दिन में उसका भी टेंडर हो जाएगा और ओवरऑल चाहा तो पूरे हर डिवीज़न में एक, क्योंकि आज तक जितने बच्चे हैं सारे के सारे जिम में जाके फीस देके अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं, मगर मैं अभी इनॉग्रेशन करा हूँ, करने के बाद मैंने ये महसूस किया है कि ओपन जिम भी काफ़ी अच्छा है जो रेगुलर जिम से। तो इसके अंदर यहाँ की कारपोरेटर आयशा रुबीना मैडम और हमारे को ऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन साहब, ये लोग ने खास
दिलचस्पी लेके सबसे पहले चाचा नेहरू पार्क में ये ओपन जिम आने के लिए कोशिश की है और उसके लोग काबिल मुबारकबाद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनॉग्रेशन हुआ है। मेरे साथ हैं नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर सारे के सारे मौजूद हैं, नकीब मिलत बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम तमाम चीज़ों पर तवज्जो दे रही है, जिसमें फिटनेस भी एक चीज़ है, स्पोर्ट्स भी है। ये तमाम चीज़ों के लिए मैं फिर एक मरतबा तमाम आज जो प्रोग्राम अटेंड करे हैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले पहले शाल पिना के बाद में पिनाना यार। बेटे ऑटो रुक, डीजीएम साहब शरीफ साहब इधर आ जाओ। डीजीएम मैनेजर साहब आप भी आ जाओ, तुम जाओ। तो आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी सैयद नगर के अंदर एक वाटरलैंड का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसके एक्सक्लूडिंग मटेरियल 4.1 लाख का वर्क है, जो आज इनॉग्रेशन उसका अमल में आया है, आज से काम शुरू होगा। नकीबे मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में हबीबे मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर तमाम डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं। अहमदनगर डिवीज़न के अंदर रोड्स, अपने वाटर लाइन, सीवरेज लाइन, NP2 पाइप लाइन और नाला वेडनिंग, मलकापुर नाले का भी टेंडर होने जा रहा है। तो मेरे साथ में यहाँ के कारपेटर मैडम आयशा रुबीना मैडम, वर्कशॉप मेम्बर महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन, एक्टिव वर्कर साथ में मौजूद है। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साथ में आपके चैनलों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।